नमस्कार दोस्तों, मैं आपका साथी कुलदीप कुमार मेघवाल। आज हम हरियाणा जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वह तारीख है 19 जून 2021। आज का जो जिला हमारा है अम्बाड़ा है, अम्बाड़ा जिला है। अम्बाड़ा जिले की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, जिस दिन हरियाणा राज्य का उदय हुआ था। जब हरियाणा बना था उस टाइम हरियाणा में 6-7 जिले थे, जिसमें भी अम्बाड़ा था। अम्बाड़ा की बात करें तो इसको क्या क्या कहते हैं, मिक्स सिटी नाम के किसे, मिक्स सिटी या वैज्ञानिक उपकरणों का शहर, इसका नाम अम्बाड़ा क्यों पड़ा भाई, तो अम्बा नामक नाम के एक राजपूत शासक के साथ बसा था। अम्बाड़ा का साक्षरता जो दर है 82% भी। यहाँ का लिंग अनुपात है 885 महिला हैं 1000 पुरुषों के ऊपर। ये जो सारे आंकड़े जानकारी हैं 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग है। जनसंख्या घनत्व भाई 717 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से भी अम्बाड़ा में रहा है। शिक्षा की बात करते हैं, शिक्षा में MMU महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय मुलाना में है, उसके बाद है SD कॉलेज है, SD कॉलेज ब्रैकेट में लाहौर, बहुत पुराना कॉलेज है, शिक्षा के क्षेत्र में लाहौर है। उत्तर भारत का रेलवे जोन भी अम्बाड़ा में है। अम्बाड़ा में सैनिक छावनी भी हुई, अम्बाड़ा में सैनिक छावनी भी है, और जिसकी स्थापना 1843 में ईस्वी की गई हुई। फेमस व्यक्ति कौन कौन से हैं, जूही चावला, कैरीन, नीति चोपड़ा, ओमपुरी, इनका संबंध फिल्म अभिनेता है और ये इनका संबंध अम्बाड़ा से हुई। हम बात करते हैं यहाँ कौन कौन से गुरुद्वारे हैं या मेले हैं। गुरुद्वारे गुरुद्वारा है, पहला गुरुद्वारा है मंदी साहिब गुरुद्वारा। मंदी साहिब गुरुद्वारा के बाद बात करते हैं यहाँ गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा भी है। गुरु गोविंद सिंह गुरुद्वारा भी पर्यटन के क्षेत्र में
बात करते हैं अम्बाड़ा में पर्यटन क्षेत्र में कौन कौन सी सबसे जो फेमस जगह हैं उनके बारे में बात करें। पहला समाचार पत्र निकाला, क्या निकाला था भाई? हरियाणा पहला समाचार पत्र तो ये निकाला था 1885 में, जैन प्रकाशन, जैन प्रकाशन निकाला। इसके संपादक कौन थे? जयलाल जैन संपादक थे, जयलाल जैन। और इसमें हमारे बात यहाँ हरियाणा का स्काउट एंड गाइड का स्टेट हेडक्वार्टर भी है। भारत स्काउट एंड गाइड का स्टेट हेडक्वार्टर भी अम्बाला में ही है। रेलवे का उत्तर का नॉर्थ जोन भी अम्बाला में।